युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक संगोष्ठी के दूसरे दिन रविवार को वैश्विक महामारी कोरोना एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर अपना विचार रखते हुए मुख्य वक्ता एम्स की निदेशिका डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा कि कोरोना महामारी एक वायरस के द्वारा होती है और एक दूसरे से संक्रमित होती है। यह वायरस स्वास्थ्य प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो इस बीमारी से संक्रमण के खतरे अधिक होते हैं। इस बीमारी का संक्रमण खांसने, छींकने और छूने से फैलता है, इसलिए इससे बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस बीमारी से अधिक समस्या उन्हीं को हो रही है जो हृदय, किडनी, लीवर के रोग, शुगर, रक्तचाप इत्यादि रोगों से पहले से ग्रसित हैं। इसमें ज्यादातर मरीज बहुत गंभीर हुए बिना भी ठीक हो जाते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि यदि कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले जांच कराएं और यदि पॉजिटिव रिपोर्ट हो तो प्रारंभिक सावधानी के साथ ही चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। अपने हाथ को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज करते रहें। आप हमेशा स्वस्थ वातावरण में रहें और अपने घर के खिड़की दरवाजों को खोल कर रखें तो इससे अपने को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस देश का नागरिक होने से यह हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने साथ साथ अपने समाज व राष्ट्र को कोरोना से पूरी तरह मुक्त कराने में अपना सहयोग देना होगा। हम सभी के प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने पूरे प्रदेश और हमारे गोरखपुर में जांच व टीकाकरण की अच्छी व्यवस्था कराई है और निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा देश इस महामारी से शीघ्र ही पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। इस मौके पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर राजकिशोर सिंह और जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज ने कहा कि कोरोना महामारी के विषय में आंकड़े हम सभी को पता है। इन आंकड़ों से हमें यह नहीं देखना है कि कितने लोग मरे हैं, अब यह देखना है कि कितने लोग इस रोग से बचे। हमें यह जानना है कि कोरोना एक विकार है जो आगंतुक है। यह रोग स्वयं अपने आप नहीं पैदा होता बल्कि किसी और से प्राप्त होता है। यह रोग बहुत लोगों को इसलिए भी प्रभावित किया है कि वे इससे अधिक भयभीत हो गए। हमें इससे डरना नहीं, लड़ना होगा। कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज, सवाई मठ आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दास लाल जी महाराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर योगी कमलनाथ, महंत मिथिलेश दास महाराज, महंत गंगादास, चेचाई राम के महंत पंचानन पुरी जी मंच पर मौजूद रहे। कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे और इसी की आशा के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। दास लाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ब्रह्मचारी दास लाल जी महाराज, महंत दिग्विजय महाराज के 52वें पुण्यतिथि के एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज के 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज मंच पर विराजमान महंत सुरेश दास जी महाराज, जगतगुरु वासुदेवानंद जी महाराज, शिवनाथ जी महाराज, गंगादास जी महाराज और भी जितने संत यहाँ विराजमान हैं, सबको प्रणाम करते हुए और मेडिकल के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और पत्रकार बंधु विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस पर। आप सब इस बीमारी से परिचित हैं, 2 साल से सब भोग रहे हैं इस बीमारी को। हमारे कितने निकट के लोग चले गए, एक परिवार में से 3-3 व्यक्ति चले गए, मुझे याद है, मेरे उस पर संपर्क के लोग थे। जब व्यक्ति इस पीड़ा से पीड़ित नहीं होता है, जब तक उसको ये नहीं गुजरती है शरीर में, बीमारी नहीं आती है, तब तक विश्वास ही नहीं करता। वो कहता है, लोग वैसे कहते हैं कि 10 लाख मर गए इटली में, कि 5 लाख यहाँ मर गए, कि स्वस्थ व्यक्ति है, चलता फिरता, पता हमको कैसे होगा, ऐसे व्यक्ति सोचा करता है। मैं भी ऐसे ही सोचता था, भाई मैं तो योग करता हूँ, योगासन करता हूँ, मैं कैसे बीमार होऊंगा। लेकिन मुझे भी बीमारी हुई, मैं भी सर गंगाराम में चला गया कोरोना के चलते। तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इस भ्रम में हम न रहें कि हम स्वस्थ हैं और हमें बीमारी नहीं होगी, ये हमारा भ्रम है। बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग चले गए, हमारे साथी चले गए, बिल्कुल युवा, 30-30, 25-25 साल के,
तो हमें पहली बात तो ये भ्रम नहीं पालना है कि हम स्वस्थ हैं और हमें कभी कोरोना नहीं होगा। कोरोना किसी को भी हो सकता है। कोरोना एक फेफड़े की बीमारी है। अभी हमसे पूर्व चिकित्सा के विभाग के लोगों ने विस्तार से बताया है। ऑक्सीजन का पता उसी को होता है, ऑक्सीजन क्या चीज है, कितने जरूरी है, जिसको ये पीड़ा अनुभव करना पड़ता है, जिसको ये पीड़ा होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कमी से क्या छटपटाहट होती है, क्या तकलीफ होती है, मरने जैसी स्थिति होती है और धीरे धीरे मूर्छा आ जाती है ऑक्सीजन की कमी से। इसलिए हम जब तक स्वस्थ हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने फेफड़े को तंदुरुस्त रखें, ऑक्सीजन के महत्व को समझें, गहरी गहरी दीर्घ श्वास लेते रहें और इससे हम स्वस्थ रह सकेंगे। बस इस अवसर पर मैं ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी के 52वीं पुण्यतिथि पर एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज के 7वीं पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और अब मैं कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं। महंत शिवनाथ जी। सदा शिव समारंभां गोरक्षनाथ मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां गोरक्ष बालं गुरु शिष्य पालं शेषाहिमालं शशिखंड बालं कालस्य कालं जितजन्मजालं वंदे जटालं जगदब्जनालं वंदे जटालं जगदब्जनालं। परमादरणीय सभापति जी, मंचासीन वंदनीय अर्चनीय संत मंडली, उपस्थित सज्जन वृंद, आज मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं था। मैं जब मंच पर आया, देखा मेरा नाम है इसमें प्रोग्राम में, मैं मंच संचालन से पूछा, ये जो सब्जेक्ट है कोविड-19, ये तो डॉक्टरों का सब्जेक्ट है, केवल डॉक्टर है इसके ऊपर बोल सकते हैं, और हम लोग साधु लोग इसके ऊपर क्या बोलेंगे। तो संचालक ने कहा, आप तो योग जानते हैं, तो योग साधना ऐसे कनेक्शन कनेक्ट करके थोड़ा बता दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट बता दीजिए। तो योग, यहाँ योग तो आजकल बहुत ज्यादा प्रचार हो गया, सारा वर्ल्ड में योग प्रचारित हो गया, जैसे कोविड सारा वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसी तरह योग भी गांव-गांव में प्रचारित हो गया है, सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं योग क्या है। तो योग ऐसा एक साधना है जिससे 3 प्रकार के फायदा मिलती है। पहला शारीरिक स्वस्थता, दूसरा मानसिक शांति, तीसरा आध्यात्मिक उपलब्धि। ये 3 प्रकार के फायदा योग साधना से मिलती है। पहला शारीरिक स्वस्थता। महाजोगी गोरखनाथ जी ने कहा, आसन है ना रुजु हंती, रुजु मीन्स रोग, आसन से रोग बीमार दूर हो जाता है। तो हठयोग प्रदीपिका में एक श्लोक है, ही का श्वासच्च काशच्च शिरकर्णाखि वेदना खे कुष्ठ गुदावर्त गुणम जीर्ण पुरोगमा। ये बहुत सरल संस्कृत है। ही का श्वासच्च काशच्च शिर कर्ण आखि वेदना खे कुष्ठ, ये जितने बीमारी है ये योगासन द्वारा दूर हो जाती है। प्राणायाम युक्त न सर्व रोग क्षय व्यवेत, यदि आसन आप नहीं कर पाएंगे तो प्राणायाम अभ्यास करो। प्राणायाम युक्त न सर्व रोग क्षय व्यवेत, प्राणायाम से सब रोग दूर हो जाती है। तो आसन और प्राणायाम से रोग बीमार दूर हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, ध्यान से ही मन स्थिर होता है, शांत होता है, मोक्ष मुक्ति कैवल्य धारणा ध्यान समाधि, जिसको महर्षि पतंजलि का संयम है, त्रय में एकत्र संयम, ध्यान धारणा समाधि तीनों को संयम बोलते हैं। संयम से ये मन शांत होता है, मोक्ष मुक्ति कैवल्य प्राप्त होता है। तो योग साधना द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक शांति मिलती है,
आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त होती है। इतना कह करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कथाभ्यास अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्याभास्कर जी को सादर आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अपनी दिव्य वाणी से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। ओम तत्सम योरावरण महे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मनुषेभ्य ओर्धं जिगादुभेषजं सन्नोऽस्ति द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं परांगुशमनं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकांची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनतीन्द्रदेशगमनं श्रीरामकृष्णान्भवं नत्वा नमामि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। योगेश्वरं तं प्रथमं महांतं श्रीकृष्णचंद्रम् ध्यायं पुनश्च योगीश्वरं शंकररूपिणं तं गोरक्षनाथं नितरां नमामि। मंच पर विराजमान हम सब लोगों के बीच में दिगंबर अखाड़ा के महंत योग तो हैं, लेकिन सबसे पहले जो मर्यादा है शास्त्र की अध्यक्ष जो माननीय श्रीमद् राजन्य कुलभूषण उदय प्रताप सिंह जी हैं, उनका संबोधन करते हुए और साथ ही श्री सुरेश दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा, महंत शिवनाथ जी, योगी कमलनाथ जी, ब्रह्मचारी दासलाल जी एवं श्री महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज, श्री महंत गंगादास जी महाराज, महंत रामबिलंददास जी महाराज, महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज, डॉक्टर सुरेखा किशोर जी जो मुख्य वक्त्री हम सब लोगों के बीच में भी अपने वक्तव्य के द्वारा प्रभावित किए हम सब लोगों को, और जो विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर राजकिशोर सिंह जी हैं, इन सब लोगों का वक्तव्य आप लोगों ने सुना है और महत्वपूर्ण वक्तव्य सब लोगों ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, आंकड़े हम सब लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो जाते हैं और आंकड़ों के माध्यम से हम किसी रोग के विषय में कुछ जान सकते हैं, ये नहीं जान सकते, ये जान सकते हैं कि कितने लोग मर गए, कितने लोग इस बीमारी से बच गए, कितने लोग इस बीमारी से लड़ने में सफल हो गए, ये हम जानते हैं। अभी जो बात कही हमारे योगी जी ने हम सब लोगों के बीच में, इन्होंने हम लोगों को यही बताया, योगी शिवनाथ जी महाराज, शिवनाथ लाल जी, उन्होंने हम लोगों को बताया कि धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। ये मेरा संप्रदाय धन्य है, मरण ही जिसमें मंगल है, मरण जिसको मंगल हम नहीं समझते, अमंगल समझते हैं, लेकिन मरण मंगल है। और ये बात कौन कहेगा, ये बात योगी ही कहेगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, दुलहिनी गावो हूँ मंगलाचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार, तन रति करि मैं मन रति करि हों, पंच तत्व बराती रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मदमाती। बंधुओं 12 बजने वाला है और 15 मिनट का समय हमें प्राप्त है, जिसमें 2 मिनट मैं ले चुका हूँ, 13 मिनट बचे हैं। इस 13 मिनट में हम सब लोग कितना ज्यादा जान सकते हैं इस विषय में, ये जानना हमारे लिए जरूरी है।
और इस जानने की जरूरत के साथ साथ हम कैसे बचे कोरोना से। कोरोना है क्या? कोरोना एक विकार है। कैसा विकार है? आगंतुक विकार है। आयुर्वेद शास्त्र में विकार दो प्रकार के हैं, एक शरीर के अंदर से उत्पन्न विकार है और एक आगंतुक विकार है। निजागंतुक भेद से, निज विकार वह है जो आपके शरीर में पैदा हुआ, आगंतुक विकार वह है जो दूसरे के द्वारा आया, इन्फेक्शन है। यह आज ही हुआ ऐसा नहीं है, आज के लगभग 15-16 साल पहले मैं मुंबई में मालाड से चरनी रोड जा रहा था। हमारे ट्रस्ट के मंत्री श्री ज्ञानवर्धन पोद्दार जी साथ में थे, वो पीछे से खांसे, उसकी वायु का स्पर्श हुआ, मैं आगे बैठा था लेकिन फिर भी मैं इन्फेक्टेड हो गया, मुझे भी जुकाम हो गया। वायरल फीवर कैसे होता है? वायरस के द्वारा जो बढ़ता है, उसमें कोरोना का नाम भी नहीं था, उससे मैं मर नहीं सकता था, इसलिए उसको महामारी के रूप में नहीं कहा गया। इन्फेक्शन उससे भी हुआ था और इन्फेक्शन कोरोना से भी होता है, उसमें आदमी मरने की स्थिति में पहुंच जाता है, अधिकांश मर जाते हैं। बहुत लोगों को तो भय ने मार डाला, जो कोरोना हो गया अब मैं कैसे बचूंगा, और उसमें मीडिया परफॉर्मेंस की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। अभी राजकिशोर जी ने बताया जो सकारात्मक भूमिका के साथ मीडियाकर्मी लगे थे, उन लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन मीडिया परफॉर्मेंस के चक्कर में जो तहलका मचा देने वाली खबर के रूप में भयभीत कर दे। मास्क जरूरी है लगाना, लेकिन उसके साथ साथ सैनिटाइजर रखना भी जरूरी है। मास्क क्यों लगाना है? मेरा ही इन्फेक्शन दूसरे में न जाए, सामने वाले का भी इन्फेक्शन हमारे अंदर ना आने पाए, उसके लिए छन्ना लगा हुआ है। हम सांस लेंगे तो छन करके सांस आएगी। हम हाथ से अगर हम मास्क छूते हैं तो हमें जरूर सैनिटाइजर रखना चाहिए कि अपने हाथ को मास्क छूने के बाद, मास्क सेट करने के बाद एक बार सैनिटाइज कर लें, क्योंकि जो छन्ना में बाहर से लगा हुआ है वो हमारे हाथ में आएगा और मैं आंख में कान में कहीं भी अगर कुछ करूंगा तो फंस जाऊंगा। मुझे अपनी सफाई करती रहनी चाहिए। गाड़ी चकाचक तभी रहती है जब उसकी सर्विसिंग होती है, और सर्विसिंग होती है तो धुलाई होती है सबसे पहले। धुलाई करने का काम ही यह नेति, धोती, बस्ती और उसके साथ जो स्वेदनक क्रिया है जिसमें पसीना पैदा किया जाता है, वमनक क्रिया है जिसमें उल्टी की जाती है, विरेचनक क्रिया है जिसमें मोशंस ज्यादा हो, ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इससे शरीर शुद्ध होता है, निर्मल होता है, डिटॉक्सेशन जिसको आप कहते हैं विष शरीर से निकलता है। लेकिन सर्विसिंग के बाद फिर वो एयर प्रेशर देता है छुक 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 करते हुए, वो छुक छुक करने वाली जो स्थिति है, जो हवा के द्वारा शुद्ध होती है। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? वैक्यूम क्लीनर हवा के बल से विकार को निकालता है, उसी तरह से यही है वैक्यूम क्लीनर की तरह पर, जो वायु के द्वारा हमारे विकार को नष्ट करता है। वो तो अपने अंदर खींचता है वैक्यूम क्लीनर, लेकिन ये बाहर निकालता है, दोनों में फर्क यही है। चरक महर्षि जो सबसे बड़े चिकित्सक हैं, वो लिखते हैं सिद्धे योगे सर्वरोगापनोदः। जब योग सिद्ध होता है तभी सभी रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। सबसे बढ़िया उपाय इन्फेक्शन से बचने का जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने बताया था, वो अमृत धारा के रूप में बताया था। मैं आप सब लोगों को भी बताता हूं, और हमने 500 रोगी कोरोना से ठीक किए। एक रोगी तो 3 दिन में ही ठीक हो गया, हमारे शिष्य पुरुषोत्तम आसावा थे सिरपुर कागज नगर आंध्र प्रदेश में, उनको कोरोना हो गया। हमने कहा अभी एक काम शुरू करो, 3 दिन अभी आज ही पता लगा, बोले हां। हमने कहा ऐसा करो 50 ग्राम अजवाइन का सत मंगा लो, अजवाइन का सत होता है ना जिसे पिपरमिंट होता है उसी टाइप का, और 50 ग्राम भीमसेनी कपूर मंगा लो और 50 ग्राम पिपरमिंट मंगा लो,
दोनों को एक शीशे की बाटल में रख करके ढक्कन से बंद करके 5 मिनट धूप में डाल दो, धूप न भी हो तो रख दो, 10 मिनट के अंदर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, वो अमृत धारा बन के तैयार हो जाएगा। अगर बत्ती की काणी होती ना उसको धो लो, धो करके उसमें डालो, या कोई सलाई हो शुद्ध करके उसको डालो, या माचिस की तीली के ही पिछले हिस्से से डाल करके और गर्म पानी में 2 बूंद डाल दो, चाय पीने के टेम्परेचर में पानी में डालो, और 10 मिनट बाद जब थोड़ा टेम्परेचर कम हो तब उसके बाद उसको पियो, हर 2 घंटे बाद पियो, हर 2 घंटे बाद, जब बताए 1 गिलास पानी में। अब इस उपाय को करने से वो 3 दिन में ही ठीक हो गए। जिनके अंदर हृदय में कफ प्रविष्ट हो गया है उन्हें कफ केतु रस, जो कि केतु कहते ऊपर को, मैंने ऊपर निकालता है कफ को, त्रिभुवन कीर्ति रस और लक्ष्मी विलास रस, इनके योगों के साथ सितोपलादि चूर्ण, अगर शरीर में पीड़ा भी है तो गोदंती भस्म उसमें मिक्स करके पान के पत्ते के रस में, अदरक के रस में थोड़ी सी मधु मिला करके चाट लो। ये सब दवाएं अगर नहीं मिल रही हैं आपको, देहात में है, वज्र देहात में है, कुछ नहीं मिल रहा है, खीरा मिल जाए, अड़ूसा की पत्ती मिल जाए, अड़ूसा की पत्ती जानते हो ना, रूसा होता है, रूसा रूसा अड़ूसा कहते हैं, संस्कृत में वासा कहते हैं उसको, वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवतस्य च, अगर जीने की आशा है और वासा है, अड़ूसा जिसको कहते हैं, आप गूगल सर्च कर लेंगे अड़ूसा या रूसा तो आ जाएगा, उसकी 15 पत्तियां पीस लो बारीक चटनी की तरह, उसी में खीरा सिर से काटिए, मलिए, नमक लगाए, रहमन कड़वे मुखन को चाहते ही सजाए के रूप में खीरा सिर से काटिए चाकू से, और नमक थोड़ा रख करके मलिए, रगड़िए, रगड़ देने के बाद धो लीजिए फिर उसी नमकीन पानी से, और फिर छिलका जो है उसका निकाल लीजिए, उस छिलके को भी उसी अड़ूसा की पत्ती के साथ पीस लीजिए, उस छिलके को अड़ूसा की, देखो कफ का नाशक है जो है छिलका, उसका पित्त का वर्धक है, पित्त बढ़ाने वाला है, और खीरे का बीज अगर निकाल लो, पित्त उलबड़ हो जाए, परेशानी होने लगे, खट्टी डकार आने लगे, तो खीरे के बीज को निकाल करके उसको खा जाओ तो आपका वो विकार दूर हो जाएगा। तो खीरे में इतनी बड़ी शक्ति है, उसको भी मिला लो, 3 काली मिर्च एक आदमी की खुराक है, वो योगवाही का काम करता है, डाकिया का काम करता है, औषधियों को अपनी जगह पर पहुंचाने का काम करता है, इतना मिला करके और चाट लो सुबह दोपहर शाम, आपके कफ विकार नष्ट होने लग जाएगा। कोरोना की कोई दवाई नहीं है, जैसे अभी सुरेखा किशोर जी ने कहा हम सब लोगों के बीच में, सच में कोई दवाई नहीं है कोरोना की, अंधेरे में चांदबारी डॉक्टर लोग करते रहे और स्टेरॉइड लगा लगा करके लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही अंत में नष्ट कर दिया, उन्होंने परेशान हो गए लोग, मरने लगे। इसलिए भारतीय पद्धति में ही यह ज्यादा है, हमारे बच्चे क्यों निरोग हैं इतने ज्यादा यहां, क्योंकि यहां आयुर्वेद के अध्यापक हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा की पद्धति है, योग की पद्धति है, योगासन की पद्धति है, गुरु गोरखनाथ जी 14 सिद्धों में जो आज भी आकाशमंडल में विचरण कर रहे हैं, आज भी है ऐसे 14 महासिद्ध जो हैं हमारे, उन सब लोगों को हठ योग प्रदीपिका में आप अध्ययन करेंगे तो ये सारे विषय आप लोगों को मिलेंगे। और मैं पुनः आप सब लोगों को इतनी देर तक मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज जी। और अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह सर को सादर आमंत्रित करता हूं। चुनौती है शासन के लिए, चुनौती है प्रशासन के लिए, लेकिन इस चुनौती को जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन और चिकित्सकों ने स्वीकार किया है वह एक अनुकरणीय है। इसकी प्रशंसा न केवल भारतवर्ष में हुई है बल्कि विदेशों में ही उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से इसको टैकल किया है, इस बीमारी के प्रसार को रोका है, जो कदम उठाए हैं उसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है, भारतवर्ष में भी, उसकी हर जगह प्रशंसा। औसतन 2.5 लाख टेस्ट पर डे हुए और यह भी पाया गया कि जो पॉजिटिविटी रेट है यह कम होकर के 0.01 हो गई है, 0.01 यानी 100 में 1,
जो टेस्ट है 100 में एक पाए गए आंधी एवरेज, उससे भी आधी हो गई है, अब उससे भी कम, उससे कम हो गई है, जो कि भारतवर्ष में लोएस्ट है, सबसे कम है। तो भारतवर्ष में नंबर वन पर टेस्ट की प्रक्रिया की गई। इसके बाद में ट्रीट पे आता हूं। ट्रीटमेंट के दो पार्ट हैं, वो ट्रीटमेंट जो कोरोना को रोकने के लिए होता है और वह ट्रीटमेंट जो कोरोना होने के बाद जो उपचार किया जाता है। 50 मेडिकल कॉलेज इसमें बराबर एक्टिव रहे, सरकारी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट पार्ट में नहीं कहता हूं मैं, 50 सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक्टिव रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री का कहना है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर डे में एक मेडिकल कॉलेज होगा। 20-25 मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट खुलने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के बदल उनकी चिंता आप जानते हैं, यहां का अस्पताल आमतौर पर आम पब्लिक, और वो पब्लिक जिसके पास पैसे नहीं है, पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, उसके स्वास्थ्य की चिंता उनकी प्रायोरिटी है। तो उन्होंने 25 और मेडिकल कॉलेज, 50 मेडिकल कॉलेज तो एक्टिव थी, 25 राजकीय मेडिकल बात करता हूं, प्राइवेट नहीं, उन्होंने खोलने की योजना उनके उनके मन में है। उन्होंने यह भी पाया कि अभी 17 सितंबर को परसों माननीय मोदी जी का जन्मदिन था। पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ लोगों ने उस दिन अपनी ट्रीटमेंट लिया, कोरोना डोज लिया। 2 लोगों ने कोरोना डोज लिया, जिसमें 9% 18 लाख लोगों ने कोई भारत उत्तर प्रदेश में लिया। तो एक जो कोरोना डोज की बात आती है, 9.24 करोड़ लोग अब तक डोज ले चुके हैं। 16.9% लोग बीमारी से रिकवर कर चुके हैं। 6 जो यूपी के हॉस्पिटल्स हैं उसको नीति आयोग द्वारा, जो भारतवर्ष के नीति आयोग है, उसने उनको कहा था टॉप परफॉर्मर हॉस्पिटल की संख्या की है 6 अस्पतालों को उत्तर प्रदेश के। अनेक राजनीतिक विरोध के बाद लोग टीका लेने आए, यहां तक कि उन लोगों ने भी जो उन्होंने राजनीतिक विरोध किया था वो लोग भी सरेंडर कर गए कि टीका लेना आवश्यक है। तो देखिए, इसके बाद भी भारी संख्या में लोगों में टीका लेने के लोगों के मन में आस्था दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक इसमें जो इस संकट में एक और पक्ष था, दूसरा पक्ष था आर्थिक पक्ष था। इस संकट का एक स्वास्थ्य का पक्ष तो था ही, आर्थिक पक्ष भी था। इकोनॉमी डाउन हो रही थी, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए उनके माध्यम से, ये आंकड़े मेरे नहीं है, एक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, एक हफ्ते पहले के आंकड़े, 152% एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई इस कोरोना के संकट काल में। तो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ, उन्होंने जो स्टेप लिया। ऐसा लोग कहते हैं कि पूज्य महाराज जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने को आपदा को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, या आपदा को अपॉर्चुनिटी, उन्होंने उसको अवसर लिया। और अवसर लेकर के उन्होंने जहां तक प्रदेश की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया और लोगों को प्रदेश की हेल्थ को भी इम्प्रूव किया। यह रैंकिंग है, एक रैंकिंग भी अखबार में करी थी, मैं भी आप सवाल बदल देना चाहता हूं। नंबर वन इन पूरे भारतवर्ष में यूपी एज एट नंबर वन इन कोविड टेस्टिंग में यूपी नंबर वन पर है। नंबर वन इन वैक्सीन देने में, जो वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन देने में भी यूपी नंबर वन पर है। और जो नंबर वन इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्वास्थ्य का ढांचा है खड़ा करने में, जो स्वास्थ्य सीमाओं का ढांचा खड़ा करने में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है। नंबर वन इन ट्रेसिंग एंड टैकलिंग द पेंडेमिक, इस बीमारी को ढूंढने में, टैकल करने में, ट्रीट करने में भी यूपी नंबर पूरे देश में नंबर वन पर है। नंबर वन लोगों का जीवन और जीविका बचाने में भी यह नंबर वन पर है। आप लोगों को जानना होगा कि
जब पहला पहली वेव आई तो पहली वेव के समय में बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी रोजी रोटी के लिए या बहुत से विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के जाकर के दूसरे प्रांतों में पढ़ते थे। जो विद्यार्थी पढ़ते थे, आप लोग विद्यार्थी हैं, आप जान लीजिए, उनके स्कूल कॉलेज बंद हो गए, छात्रावास भी बंद हो गए। छात्रावास बंद होने के कारण से उनको कहा था आप छात्रावास छोड़ो, क्योंकि छात्रावास में सामूहिक रहते हैं और उसमें तो यही है कि मास्क और दो गज दूरी, ये दोनों जरूरी है। दो गज दूरी इन मास्क है जरूरी, आप जानते ही हैं, ये आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर भी आप उसका पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कोशिश किया जो ये गाइडलाइंस है कोरोना के, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन करते हुए इन कार्यक्रमों को किया जाए। तो ऐसी स्थिति में एक साथ एक कमरे में कई लोगों को रहना उचित नहीं समझते, लोगों ने बंद कर दिया, कहा जाओ घर जाओ, कैसे जाएं, ट्रेन सर्विसेज बंद, बस सर्विसेज बंद, कैसे आवे। इस चुनौती को उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया और उन्होंने दूसरे प्रदेशों से काम करने वाले यूपी के बंधु बहनों को वहां से ले आए, विद्यार्थियों को ले आए। यह यूपी प्रदेश पहला प्रदेश था, एकमात्र प्रदेश था जो कि इतनी जल्दी इसने काम को किया। और ले आने के बाद फिर दूसरा प्रश्न उठा कि लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी। आमतौर पर जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने घरों पर लौटे, वहां कुछ काम कर रहे थे, कुछ कमा रहे थे, तो उन्होंने उनके लिए जॉब भी क्रिएट किया। जो 152% आप देखते हैं एक्सपोर्ट में वृद्धि है, उनके लिए जॉब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिएट किया। इसीलिए सब लोगों ने, मैंने कहा ना, ये मॉडल को विश्व में सराहा गया है, अमेरिका में इसके प्रतिशत हो रही है। एक ऑस्ट्रेलिया का एक MP यहां आया था, उसका नाम है क्रेग केली। क्रेग केली का कहना था, वेल डन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट्स चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, मैनेजमेंट जो ऐड कर रहा हूं उसमें नहीं, उसने नहीं कहा था, फॉर देयर मैनेजमेंट इन क्रशिंग द वेव। इस वेव को क्रश करने में जो उत्तर प्रदेश की स्टेट और यहां के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, कहा कि वेल डन। और उन्होंने यहां तक कहा, काश योगी आदित्यनाथ जी ऑस्ट्रेलिया में होते। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी के आर्थिक सलाह राजू जी यहां आए थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया वाले योगी जी को मांग रहे हैं कि आप देंगे। मैंने कहा हम क्यों देंगे, अभी हमको उनको 20-25 साल तक रहना है, यूपी की समस्याएं जो है उनका निराकरण वो कर रहे हैं, तो हम क्यों देंगे उनको। और करोना में बताया कि यूएसए में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। और लोगों के कुछ बयान सुनिए, मोदी जी ने कहा जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना 19 की दूसरी वेव को हैंडल किया और उसके प्रसार को क्रश किया, वह अभूतपूर्व है, अनुकरणीय है, माननीय मोदी जी का एक कहना ऐसा कथन है। नीति आयोग, जानते हैं नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन के ऊपर नीति आयोग हो गया है, केंद्र सरकार का है, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर के 57,000 यूपी के गांव में कोविड नागरिकों को ढूंढना, उन्हें आइसोलेट करना, उन्हें ट्रीट करना दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय है, ऐसा नीति आयोग का कहना है। तो उत्तर प्रदेश ने, आज हम लोग थोड़ा सा सुख और शांतिपूर्वक यहां पर बैठे हुए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं न कहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन करना चाहिए, हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम अपने अपने घरों में, अपने परिवार में विद्यालय खुल गए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश विद्यालय खुल गए हैं, पढ़ाई हो रही है, सब सारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। जो कर्फ्यू लगा हुआ था, अब तो 11 बजे दुकानें खुलती हैं। यह एक श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश बनने का जो आप सपना देख रहे हैं, और खासतौर से मैं इस बीमारी की परिस्थिति से बात करता हूं कि इसको कष्ट करके जिस प्रकार से हुआ है, वह हम सबके लिए अभिनंदनीय है।
मैं इस मौके पर जिन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, डॉक्टर सुरेखा किशोर जी, आपने बड़ी उपयोगी बातें बताई और हम समझते हैं कि हमारे बच्चे जो सामने बैठे हैं इसका पालन करेंगे, इनका अनुकरण करेंगे और लाभान्वित होंगे, और पालन ही नहीं करेंगे बल्कि अपने परिवार में भी आपके संदेश को पहुंचाएंगे ताकि परिवार में रहने वाले अन्य लोग भी उसे लाभान्वित हो सके। डॉक्टर राजकिशोर सिंह का और बोधन में मिला, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की, मेडिकल कॉलेज में ये मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे संत महात्माओं का मिला, मैं तो खुद योग में विश्वास करता हूं, आयुर्वेदिक दवा में विश्वास करता हूं, बहुत दिन तक मैं खुद गिलवा का जूस लिया करता था और अपने बच्चों को भी लेने करता था गिलवा का जूस लो। तो ये आयुर्वेद और योग जो उत्तर प्रदेश जो पूरे भारतवर्ष की देन है, हमारा जो देन है, इनके माध्यम से भी हम कोरोना कंट्रोल करने के बारे में हमारे तीन संतों ने यहाँ पर आपको बताया, रास्ता बताया, तरीका बताया, मैं उनके पद भी उनके चरणों में वंदना करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। मंच पर हमारे कई संत हैं, अयोध्या धाम से बुलाए पूज्य महंत सुरेश यादव जी हैं, अन्य संत मगर हैं, मैं सबके प्रति आभार करता हूं कि चरणों में वंदना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब कल का जो कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता में संतों का योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।